हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू चिप्स। आलू चिप्स के लिए हमें चाहिए 2 किलो आलू, जो एकदम फ्रेश हो, कड़क हो और अंदर से भी वाइट हो, और 1 टेबल स्पून नमक। अब हम आलू चिप्स बनाने का मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे, बस इसी तरह से हम पूरे आलू को छील लेंगे। इसके ऊपर जो छिलका है हम उसे उतार लेंगे। उसके बाद में हम इसके चिप्स बना लेंगे। छिलके हमारे आलू रेडी है, अब हम इसके चिप्स बना देते हैं। लेकिन चिप्स बनाने से पहले हम पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, अब हम चिप्स बनाते हैं, तब तक पानी बॉईल हो जाएगा। अब हम चिप्स बना लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम ये पूरे आलू के चिप्स निकालेंगे। ये देखिए, हमारे पूरे चिप्स हमने निकाल लिए। कितने सुंदर दिखते हैं ये चिप्स। अब हम इसे पानी में डाल देंगे। देखिए, हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये नमक डाल देंगे और चिप्स डाल देंगे। अब हम इस आलू चिप्स को थोड़ी देर, जब तक आलू अंदर के जो चिप्स है वो थोड़े से नरम नहीं होते, हम तब तक उसे रहने देंगे। देखिए, हमारे आलू चिप्स रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ध्यान रखें कि गरम गरम ही हमें चिप्स को कपड़े पर डालना है, वरना ये अगर एक दूसरे पर चिपक गए तो निकलेंगे नहीं। अब हम ये चिप्स सुखा देंगे इस तरह से, एक एक करके। देखिए, फटाफट सुखाना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से एक एक करके आप सुखा ले। हाथ तो बहुत जलेंगे क्योंकि गर्म के गर्म ही हमें डालना है। हमारे चिप्स रेडी हो चुके हैं। अब हम हमारे चिप्स किस तरह से कैसे बने हैं ये हम तेल रख के देखते हैं, तल के देख लेते हैं। ये हमने तेल गरम रख दिया है, अब हम इसमें चिप्स को तलेंगे। हम देखेंगे कि हमारे चिप्स कैसे बने हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, ये देखिए हमारे चिप्स कितने अच्छे निकले, एकदम वाइट। इसका मतलब हमारे चिप्स बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए हमारे चिप्स एकदम परफेक्ट। यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।